हाय हाई गेस्ट पर चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है आज की वीडियो में आप लोगों को और एक लोन पॉडर साइट का रिव्यू दूंगा स्टार्ट कर नाउ अप क्रेडिट तो कैसे एक नया साइट है इस साइड को याड आप लोगों को ज़्यादातर फेसबुक इंस्टाग्राम पे दिखने को मिल जाएगा तो कैसे इस साइट पर लोन अप्लाई करने से पहले इस वीडियो को आप लोग जरूर इन तक देखिएगा इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को मैं इस्ट कोई लोन प्रोसेस के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ ये बताऊँगा कि ये साइड लोन के लिए सेफ साइड है कि नहीं और ये साइड लोन देता है कि नहीं और इस वीडियो का लास्ट में मैं ये भी बताऊँगा कि अगर कोई भी लोन पॉडि साइट ऑलरेडी आप लोगों के साथ लोन के नाम फ्रॉड कर चुका है तो वो पैसा रिटर्न करने का प्रोसेस क्या है इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा तो गई जरूर वीडियो को आप इन तक देखिएगा और गई स्टेप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेलाइकन पर पेश कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे तो गई चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं तो गई नाउ ऑप क्रेडिट लोन पोडेड साइट को ओपन करने के टाइम पहले इंटरफेस आएगा लॉगिन का लॉगिन करने के बाद स्टेप का इंटरफेस आ जाएगा और ये पे आप पहले सेलर्ड है या सेविंग इंप्लॉड है वही पे आपको चूज करना होगा चूज करने के बाद अपना फुल नेम फिल करना होगा नेम फिल करने के बाद अपना ई मेल देना होगा ई मेल देने के बाद आपका सिविल स्कोर कितना है वही पर आपको चूज़ करना होगा फिर आप लोगों को अपना मंथली इनकम कितना है वही पे आपको फिल करना होगा फिर नीचे अगर आप लोग कैसे लोन लिया है तो उस लोन के पारमान ई एम कितना है वो पे आपको फिल करना होगा फिल करने के बाद आप लोगों को चूज़ करना होगा लोन पर्पस लोन पर्पस चूज़ करने के बाद आप लोगों को फिल करना होगा स्टेट नेम और सिटी नेम स्टेट नेम और सिटी नेम फिल करने के बाद नीचे आप लोगों को चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा तो फिर क्लिक करने के बाद स्टेप का इंटरफेस आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन और ये पे आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आपको इतना तक की लोन का प्री अप्रूवल मिल चुका है फिर आप लोगों को लोन अमाउंट और टेन वोडेर चूज़ करना होगा लोन अमाउंट और टेन वर्डर चूज करने के बाद स्टॉप को इंड्र फिर आ जाएगा और ये पे आप लोगों को एक एडवांस भी दिखने को मिल जाएगा वन थाउजेंड वन हंड्रेड सेवेंटी एट रुपीज़ तो कैसे पर यह कहा जाता है कि अगर कोई नाव क्रेडिट लोन बोर्ड है साठ की तरफ से लोन लेना चाहते हैं तो पहले एक एडवांस भी पे करना होगा तो कैसे भी बात है कि अगर आप लोग नाव क्रेडिट लोन बोर्ड है साइट की तरफ से लोन पाने के लिए पहले एडवांस भी पे कर देते हैं तो आगे जाकर लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है एडवांस भी पे करने के बाद आप लोगों का लोन रिजेक्ट भी हो सकता है और अगे अगर आप लोग इस साइट पर रिफंड एंड पॉलिसी चेकआउट करेंगे तो साइट पर रिफंड एंड पॉलिसी पे ये कहा गया है कि अगर आप लोग इस साइट की तरफ से लोन पाने के लिए पहले एडवांस भी पे कर देते हैं और आप लोगों को लोन नहीं मिलता है फिर अगर आप लोग फोर्टी एट आवर्स के अंदर रिफंड के लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो आप लोन के लिए जो भी एडवांस भी पे करेंगे वो आपको थर्टी डेज के अंदर रिफंड दिया जाएगा तो अगैसे भी बात यह कि अगर आप लोग इस साइट की तरफ से लोन पाने के लिए एडवांस भी पे कर देते हैं और आप लोगों को लोन नहीं मिलता है फिर अगर आप लोग इस साइट के रिफंड एंड पॉलिसी के अनुसार रिफंड के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और आप लोगों को, को रिफंड नहीं मिलता है तो गैस स्थिति में आप लोगों को क्या करना चाहिए मैं हर बार बोलता हूँ कि गैस अगर आप लोग कोई भी लोन प्रोवाइडर साइड पर लोन के लिए एडवांस भी पे कर देते हैं और आप लोगों को लोन नहीं मिलता है फिर अगर आप लोग इस साइड के रिफंड एंड पॉलिसी के अनुसार रिफंड के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और आप लोगों को रिफंड नहीं मिलता है तो इस स्थिति में आप लोगों को क्या करना चाहिए आप लोग उस साइड के खिलाफ एक साइबर क्राइम कंप्लेन जरूर कीजिए ताकि आपका पैसा रिटर्न मिल सके और गैस कोई फ्रॉड लोन प्रोवाइडर साइड के खिलाफ कैसे ऑनलाइन साइबर क्राइम कम्प्लेन करना होगा उस वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर दिखने को मिल जाएगा तो उस वीडियो को देख के आप लोग एक ऑनलाइन साइबर क्राइम कंप्लेन जरूर कीजिए तो गैस मेरी तरफ से मैं कभी भी स्टेप का एडवांस पैसे माने वाले लोन प्रोवाइड साइड लोन के लिए रिकमेंड नहीं करते कि आप लोग स्टॉप का एडवांस पैसे माने वाले लोन प्रोवाइड साइड पे लोन के लिए अप्लाई करें और लोन के लिए पहले एडवांस पैसा पे करें और गैस मैं हर बार बोलता हूँ कि कोई भी लोन प्रोवाइडर साइड को ऐड देख के तुरंत जाकर उस साइड पर लोन के लिए अप्लाई ना करें पहले यूट्यूब और गूगल पे जाकर उस साइड के रिव्यू चेकआउट कीजिए और साथ ही साथ उस साइड के कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेकआउट कीजिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर है कि नहीं तो ये सारी चीज़ें चेकआउट करने के बाद ही आप लोग कोई भी लोन प्रोवाइडर साइड पर लोन के लिए अप्लाई करें और कैसे अगर किसी को लोन के रिलेटेड किसी भी तरह की इशूज या कोई प्रॉब्लम होता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दिखने को मिल जाएगा आप लोग इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते है। तो हैं तो कैसे यही था एक छोटा छोड़ा तो वैसे अगर आप लोगों को, को ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तो कैसे आप लोगों के साथ मुलाकात हो रहा है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम